इस शीफ फार्म में कुछ लोग भेड़ों पर खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। एक्सपीरियंस नाम की ये लड़की और उसका साथी चुपके से इनके फार्म की वीडियो बनाने लगते हैं। एक्सपीरियंस का साथी अचानक फार्म की फेंसिंग को क्रॉस कर अंदर घुस जाता है और फार्म पर रखे कंटेनर से एक जार को निकालकर भागने लगता है ताकि वह प्रूफ के तौर पर मीडिया को उसे दिखा सके। फार्म में काम करने वाले सभी लोग उसको ऐसा करते देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अब वह आदमी भागते भागते अचानक गिर जाता है जिससे उसका वह जार भी खुल जाता है और उससे ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला भेड़ का बच्चा निकलता है जिसके बाद वह अचानक उस पर अटैक कर देता है। उसके कान को बुरी तरह से नोच डालता है। अगले ही दिन उस ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले बच्चे को जोर जोर से चिल्लाता देख एक भेड़ उसके पास आती है और वह उसको भी काट लेता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि एक्सपीरियंस ने उसी दोस्त को ढूंढने के लिए वापस फार्म में आती है और वह देखती है फार्म का मैनेजर एक शीप को वापस फार्म में डाल रहा है। एक्सपीरियंस उसे और हेनरी को देखते ही उन पर बंदूक तान देती है क्योंकि उसे लगता है वह दोनों भी उस बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में शामिल है। लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद उन्हें एक सामने घर दिखता है जहाँ से धुआं निकल रहा था। उन्हें उस घर पर जाकर जलता हुआ खाना और चारों तरफ खून ही खून नजर आता है। फिर वह देखते हैं कि उस घर का ओनर भी मारा जा चुका है। इतने में एक इन्फेक्टेड शीप अंदर आने की कोशिश करती है जिसे वह गोली मारकर फौरन मार डालते हैं।